हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिवान से और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेलोनी गाड़ी की शॉक सेंसर के बारे में, एंटी थेफ्ट फीचर के बारे में। आज हम बात करेंगे एंटी थेफ्ट फीचर कैसे वर्क करता है, आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी गाड़ी में एंटी थेफ्ट फीचर एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो पहले देख सकते हैं इस गाड़ी को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, आपकी अपनी गाड़ी के टायर में अगर सडन इम्पैक्ट करेंगे अगर हल्के से पैर से भी, तो आपकी गाड़ी से सायरन की आवाज़ आएगी, या फिर आप गाड़ी के फेंडर में अगर इम्पैक्ट करेंगे तो भी आपकी गाड़ी से आवाज़ आएगी, और अगर डोर भी ओपन करेंगे तो भी आवाज़ आएगी। ओपन करने की कोशिश करेंगे तो अगर कोई चोर आपकी गाड़ी की चोर आपकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश करता है, और वो क्या करेगा, गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है, तो अगर आपका एंटी थेफ्ट फीचर एक्टिव रहेगा तो वो सायरन बजने लगेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी के पास कोई है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम पहले गाड़ी को अनलॉक करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि कोई भी सायरन की आवाज़ नहीं आई, मतलब आपकी गाड़ी का एंटी थेफ्ट फीचर एक्टिव नहीं है। तो अब इसे एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम डोर को लॉक कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इग्निशन को ऑन करेंगे। इग्निशन ऑन करने के बाद क्या करते हैं, हम इस राइट नोब को हम दबा के रखेंगे कुछ सेकंड के लिए। जब राइट नोब को हम दबा के रखते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो उसके बाद क्या, जैसे ये भी आ रहा है इग्निशन ऑन स्विच पोजीशन है, ये आपका हट जाएगा ये डिस्प्ले, तो आप क्या आएगा इस तरह की कुछ डिस्प्ले आएगी। तो इस डिस्प्ले में आपको आके इस राइट नोब को दबा के रखना है कुछ सेकंड के लिए। तो यहाँ पे ये मेन्यू खुल के आएगा, इस मेन्यू में आप देखेंगे डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी है, और सेट सेंसर है। सेट सेंसर जो है ये आपके रियर सेंसर के बारे में है, और गाइड मी लाइट है, डोर लॉक है, लाइट है, एंटी थेफ्ट फीचर है। तो एंटी थेफ्ट फीचर के बारे में है, तो एंटी थेफ्ट फीचर में आपके आगे इसी राइट नोब को क्या करना है, पुश करना है। तो ये आपका ओपन हो गया है। उसके बाद शॉक सेंसर है, शॉक सेंसर को देखिए आप ऑफ था, इसलिए आपकी गाड़ी में से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ऑन, और ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका शॉक सेंसर प्री वार्निंग लेवल में, कौन सी लेवल में आपका सिलेक्ट है। तो ये आपके 14वें लेवल में आपका सिलेक्ट है, टोटल होते हैं 15 लेवल, तो इसे हम 12वें लेवल में सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद शॉक सेंसर फुल ब्लास्ट है, ये सेकेंड लेवल में है, तो इसे 3rd लेवल में सिलेक्ट कर लेते हैं हम। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे करते हैं बैक, और इसको करते हैं हम क्या, फिर से करते हैं बैक। और अब क्या करेंगे, हम इग्निशन को करते हैं ऑफ, और आते हैं हम गाड़ी से बाहर। गाड़ी से हम आ गए हैं बाहर, और गाड़ी को करते हैं हम फिर से लॉक। तो आयुग, तो अब क्या करना है, इसको थोड़े हम 5 से 10 सेकंड के लिए इसे वेट करेंगे, और उसके बाद अगर हम इसके टायर में अगर इंपैक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें आवाज़ आएगी। इसके टायर में इंपैक्ट करना, ये देख सकते हैं इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही है। ये शॉक सेंसर फुल ब्लास्ट में नई लेवल में है, इसलिए ये इस तरह की आवाज़ आ रही, टुक 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 की आवाज़ आ रही है। और जो भी होगा, चोर होगा या फिर कोई भी चीज़ होगा, उसे पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी में शॉक सेंसर एक्टिव है। और आपको भी पता करना है तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके गाड़ी का शॉक सेंसर एक्टिव है या नहीं। अब डोर खोलने की कोशिश करो, तुम खींचो उस साइड का, डोर खोलने की कोशिश करो। तुमसे नहीं बनेगा, चोर चोर धीरे धीरे नहीं खुलेगा, चोर तेज़ी से खोलेगा। इतने धीरे से खुलने लगेगा तो खुल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको गाड़ी को हम करते हैं अनलॉक, और आपको मैं बता दूंगा कि कैसे, एक चीज़ और अंदर, एक गाड़ी के अंदर एक फीचर होता है, तो उससे हम आप कैसे पता चले कि कोई कस्टमर किसी गाड़ी की अगर आपकी है बाहर खड़ी थी और कोई आया, आप अपनी गाड़ी से दूर हैं, उसने कोशिश करी चोरी करने की लेकिन सायरन बज गया, वो गाड़ी नहीं चोरी कर पाया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाड़ी के पास कोई आया था कि या नहीं। तो जैसे ही आप इग्निशन को करेंगे ऑन, तो यहाँ पे अगर आप फुल ब्लास्ट में लगेंगे तो यहाँ पे आपकी एक वार्निंग लाइट रहेगी, वो आपकी जलने लगेगी। तो इस सेटिंग को हम करते हैं फिर से एडिट, राइट नोब को हम दबा के रखते हैं,
जब राइट नोब को हम दबा के रखेंगे तो ये मैन्यू खुल के आएगा। और उसके बाद हम आएंगे इसके एंटी थेफ्ट फीचर के बारे में, एंटी थेफ्ट फीचर में आ गए। उसके बाद प्री वार्निंग जो है आपकी, इसको हम सेट रहने देते हैं, 14 लेवल में सेट करते हैं। और इसके शॉक सेंसर को हम सेट करते हैं, फुल ब्लास्ट को भी 14 लेवल में सेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, गाड़ी को बैक कर दिए और इस फीचर को भी यहाँ से भी हम करते हैं बैक। और अब क्या करेंगे, इग्निशन को करेंगे ऑफ और अब गाड़ी से हम बाहर निकलते हैं। गाड़ी से आ गए हैं बाहर और गाड़ी को हम करते हैं लॉक। तो गाड़ी को हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को कर दिए लॉक। अब करो इम्पैक्ट टायर में, देख सकते हैं गाड़ी से इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, गाड़ी को मैंने कर दिया लॉक, सायरन हमारा बंद हो गया अभी। अब हम गाड़ी के अंदर क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर जाते हैं, गाड़ी को करते हैं अनलॉक। जब अनलॉक करेंगे तो इसकी साउंड भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो दो बीप थी, दो बीप से तीन बीप में कन्वर्ट हो गई है। और जैसे ही हम इग्निशन को ऑन करेंगे, मैं इग्निशन स्विच ऑन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के पास कोई आके छेड़खानी किया है, कोई टच आपकी गाड़ी को किया है। तो इस तरह आप पता भी कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के पास कोई आया था या नहीं। अगर इस तरह की लाइट आपकी जलती है तो आपकी गाड़ी के साथ कोई आया था, छेड़खानी किया है। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, फुल ब्लास्ट सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे पड़ाके बजते हैं या फिर वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन अगर ये थोड़ा भी महसूस करता है तो उसके कारण भी ये सायरन बजने लगता है। बहुत से केसों में मैंने देखा है कि वाइब्रेशन से भी ये सायरन बजने लगता है। तो आपको एंटी थेफ्ट फीचर अगर ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने के लिए भी क्या करना है, एंटी थेफ्ट फीचर में आना है, उसके बाद शॉक सेंसर में आना है, उसके बाद क्या करना है ऑफ़। तो आपका एंटी थेफ्ट फीचर अब ऑफ हो गया है। तो अब मैं आपको ऑफ भी कंडीशन में दिखा देता हूँ कि ऑफ़ हुआ है या नहीं। और हम आते हैं बाहर गाड़ी के, करते हैं गाड़ी को लॉक। अब टायर में इसके मारो, आप देख सकते हैं टायर में मारा जा रहा है लेकिन कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है गाड़ी। तो ये जानते थे फीचर के बारे में। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।